हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले ओपन करते हैं नोटपैड प्लस प्लस। मान लीजिए हमें अगर पूरे बॉडी टेक का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टेक को ओपन और क्लोज करके उसके अंदर जिस भी टेक का हमें बैकग्राउंड चेंज करना हो, यहाँ पर हमें बॉडी का करना है इसलिए हम बॉडी लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, यहाँ पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर कोलन वैल्यू, येलो कलर करना है इसलिए मैं देता हूँ येलो, सेमी कोलन, कंट्रोल एस से किया मैंने सेव। ब्राउज़र में जाकर देखते हैं, ये मैंने किया रिफ्रेश, देखिए ये हुआ येलो कलर का। यहाँ पर मैं येलो की जगह हेक्सागोनल वैल्यूज़ भी दे सकता था। हेक्सागोनल वैल्यूज़ देते कैसे हैं, उसके लिए हमें लिखना पड़ता है हैश और 6 डिजिट का हेक्सागोनल वैल्यू, 00000, ऐसी ही वैल्यू होती है 00000 से 00FFFF तक। यहाँ पर इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस से सेव। ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं क्या करता है, ये हेक्सागोनल वैल्यू है उस कलर की, इसलिए यहाँ पर ये कलर शो हो रहा है। हेक्सागोनल वैल्यूज़ कहाँ से मिलती है, तो आप adobe.color.cc करके एक वेबसाइट है, वहाँ से आप बहुत सारे कलर मैचिंग्स ले सकते हैं और वहीं से आपको हेक्सागोनल वैल्यूज़ भी मिल जाएगी। ये तो हुई बैकग्राउंड कलर की बात। अगर हमें बैकग्राउंड इमेज सेट करनी हो तो क्या प्रॉपर्टी होगी, उसके लिए होगी बैकग्राउंड डॉट इमेज कोलन बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पर आपको लिखना है URL, ठीक है, और इसके अंदर आपको लिखनी है इमेज का नाम। इमेज का नाम हम यहाँ से ले लेते हैं, ये इमेज मैंने ले रखी है पहले से, मैं इसको रीनेम करके इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको एक्सटेंशन फाइल लिखनी पड़ेगी जो इसकी है .jpg, उसके बाद सेमी कोलन एंड करते हैं कंट्रोल एस से सेव। ब्राउज़र पर जाकर देखते हैं, ये रिफ्रेश, देखिए यहाँ पर इमेज तो आ गई पर ये रिपीट हो रही है बार बार। इस रिपीटेशन रोकने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं बैकग्राउंड रिपीट और उसको वैल्यू देते हैं नो रिपीट, ये दी हमने नो रिपीट वैल्यू, कंट्रोल एस से किया सेव। अब जाकर देखते हैं ब्राउज़र में, ये मैंने F5 से किया रिफ्रेश, देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड में ये इमेज आ गई पर ये इमेज बहुत छोटी है। इसकी हम हाइट एंड विड्थ कैसे सेट कर सकते हैं, तो उसके लिए होता है बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज कोलन, यहाँ पर दो वैल्यूज देनी होती है आपको। तो पहली मान लीजिए हम देते हैं 500 पिक्सल और दूसरी हम देते हैं 1000 पिक्सल, ठीक है, ये दी मैंने 1000 पिक्सल। अब देखते हैं इसको सेव करके, कंट्रोल एस से किया सेव और ब्राउज़र पर जाकर करते हैं रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पर ये बढ़ गई। यहाँ से हम इसकी और वैल्यूज चेंज कर देते हैं, यहाँ से हम 1500 ले लेते हैं इसकी पहली वैल्यू, कंट्रोल एस से किया सेव। ब्राउज़र पर जाकर करते हैं रिफ्रेश, देखिए इस तरीके से आप अपनी बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं। आई होप आपको बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड इमेज सेट करना आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल, ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें।